Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, hope you are fine. Today we shall study science of class 5. Chapter number 3. The name of chapter is environmental pollution. So let's start. Students, aaj hamara topic hai effects of pollution. Hum isme teenon jo pollution ki kinds thi, teenon ke effects padhenge. Air pollution ke effects bhi padhenge, land pollution ke effects bhi padhenge aur water pollution ke effects bhi padhenge. स्टार्ट करते हैं. एयर पोल्यूशन कोज डिजीजेज ऑफ थ्रॉट. डी स्टूडेंट्स, जब हमारे पास आलूदा हवा जो होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स मौजूद हों, ऐसी हवा को जब हम इनहेल करते हैं तो ऐसी हवा बहुत ज़्यादा जर्म्स लेकर हमारे अंदर एंटर होती है और कुछ इन्फेक्शन जो हैं गले के वो इस वजह से हो सकते हैं. इसके अलावा एयर पोल्यूशन जो है वो स्किन की डिजीज़ कॉज करती है. लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्किन ड्राइनेस हो जाती है अगर हमारे पास एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो तो. इसके अलावा एक्नीज हो जाती हैं, ठीक है. इसके अलावा प्रीमेच्योर एजिंग वक्त से पहले जो है वो इंसान थोड़ा बूढ़ा लगना शुरू हो जाता है, ठीक है. तो ये सब इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास एयर पोल्यूशन के. इसके अलावा हमारे पास एयर पोल्यूशन आइज़ की डिजीज़ भी कॉज करती है. लाइक देख सकते हैं, आँखों में चुभन होना, ठीक है. लाइक आप लोगों को पता है हमारे पास जब फोग और स्मोक का सीज़न चलता है तो उसमें हमारी आईज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा आँखों में चुभन सी होना शुरू हो जाती है. तो इस तरह से रेडनेस ऑफ आईज़ जो है वो हो जाती है जब हमारे पास एयर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो, ठीक है. इसके अलावा टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स एंटर द ह्यूमन बॉडी विद इनहेल्ड एयर एंड कॉज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज़. होता क्या बेटा जी, जब हमारे पास ये फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं और इनमें से जो निकलने वाला धुआँ है उसको अगर हम बग़ैर ट्रीटमेंट के, बग़ैर साफ़ किए, उसी तरह से टॉक्सिक एयर को, टॉक्सिक कहते हैं जो नुकसानदेह हवा हो, ठीक है. टॉक्सिक एयर को जब फैक्ट्रीज़ जो हैं वो ऐसे ही एयर में रिलीज़ कर देती हैं तो ये हमारे पास एयर जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे अंदर जब जाती हैं तो ये बहुत सारी हमें सांस की बीमारियाँ जो हैं वो हो जाती हैं, ठीक है. सबसे पहले हमारे पास हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकाइटिस को. ब्रोंकाइटिस को हमारे पास क्या होती है, ब्रोंकाइटिस हमारे पास लंग्स की डिजीज़ है. ये भी एयर पोल्यूशन की वजह से होती है. बेसिकली हमारे पास ये जो ब्रोंकाई होती है बेटा जी, ब्रोंकाई जो है वो हमारे पास जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया डिवाइड कर हमारे पास बनाता है ब्रोंकाई. विंड पाइप जिसे हम ट्रेकिया भी कहते हैं, जब ये लंग्स के अंदर एंटर होता है तब इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई. ये दो में डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है. तब हम इसको बोलते हैं ब्रोंकाई. तो ब्रोंकाई के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो उसकी वॉल्स हैं वो क्या हो जाती हैं हमारे पास, स्वेल कर जाती हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है उनके अंदर और बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होता है, ठीक है. जिसकी वजह से होता क्या है, जिसकी वजह से हमारे पास सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, ठीक है. अभी देखिए एयर पैसेज में यहाँ पर कितना ज़्यादा हमारे पास एरिया है हवा के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो एयर के लिए जगह है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है. इसके अलावा लंग्स कैंसर जो है ये भी हमारे पास एयर पोल्यूशन जैसे होता है. ये देखिए आपको एक हमारे पास नॉर्मल लंग दिखाया गया है, ठीक है, जो हेल्दी है, और एक हमारे पास इन्फेक्टेड लंग है जिसे कैंसर हो चुका है. तो दोनों के अंदर आप फ़र्क जो है वो वाजिया है हमारे पास. लंग कैंसर की वजह से जो लंग्स हैं उसके सेल्स जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इस तरह से वो ब्रीथिंग में इश्यू हो जाता है. उसके बाद हमारे पास प्रोसेस है फोटोसेंसिस का. क्योंकि आप लोग अभी 5 क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपको एक दफ़ा फोटोसेंसिस का प्रोसेस बता देती हूँ. फोटोसेंसिस के प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास पौधा जो प्लांट है बेटा जी, प्लांट अपनी फूड को प्रिपेयर करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंसिस, ठीक है. पौधा जो है वो ज़मीन से पानी लेता है, ठीक है, और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में वो अपनी फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है. वो जब अपनी फूड प्रिपेयर करता है बेटा जी तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन बनती है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन पौधा बाहर निकाल देता है. ये देखें एरोज़ आपको नज़र आ रहे हैं बाहर निकालते हुए. तो इस ऑक्सीजन को हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. इसका मतलब है फोटोसेंसिस का प्रोसेस पौधे के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है. तो फोटोसेंसिस का जो प्रोसेस है बेटा जी वो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्लांट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है. लेकिन हमारे पास इशू ये है कि एयर पोल्यूशन इन प्लांट्स, एयर पोल्यूशन स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंसिस, इट ऑल्सो रिड्यूस ग्रोथ इन प्लांट्स. हमारे पास जो
फोटोसिन का प्रोसेस है वो एयर पोल्यूशन की वजह से स्लो हो जाता है, ठीक है। और इस वजह से, क्योंकि प्लांट जो है वो अपनी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता, इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है एयर पोल्यूशन की वजह से। इसके अलावा एयर पोल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज डिजॉल्व इन एयर वाटर एंड मेक इट एसिडिक। हमारे पास जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो बारिश के पानी के साथ मिलते हैं और हमारे पास बारिश को एसिडिक कर देते हैं। होता तो ये हमारे पास जो फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह में से या बाकी बहुत सारी चीज़ों में से धुआं जो उठता है तो उसमें हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड या फिर सल्फ़र मोनो सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी उस पोल्यूटेड एयर में मौजूद होते हैं। जब वो ऊपर बादलों तक जाते हैं तो वहाँ से बारिश के पानी के साथ मिलकर ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देते हैं, ठीक है। और वही बारिश जब हमारे पास नीचे बरसती है तो वो हमारे पास बारिश, क्योंकि उसमें एसिड मिल गए हैं, तो इस तरह की बारिश को हम कहते हैं एसिड रेन। और इस तरह की बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है हमारे इन्वायरमेंट को। एसिड रेन डैमेज ट्रीज बिल्डिंग्स एंड लाइफ इन पॉन्ड्स एंड लेक्स। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हुए हैं विद द एसिड रेन, ठीक है। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स हैं उन पर जो काम किया जाता है, जो पत्थर लगाए जाते हैं, वो भी एसिड रेन की वजह से ख़राब हो जाते हैं। ये हमारे पास ताजमहल की पुरानी तस्वीर है, ठीक है, और देख सकते हैं आप ये कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन अब जो है इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है ये एसिड रेन की वजह से, ठीक है। पोल्यूटेड वाटर इफेक्ट्स द एनिमल्स प्लांट्स एंड पीपल हु यूज़ इट, ठीक है। हमारे पास जो भी जानदार पोल्यूटेड वाटर पीते हैं वो सब उससे इफ़ेक्ट हो जाते हैं, चाहे एनिमल्स पी रहे हैं, चाहे प्लांट्स उसको अब्जॉर्ब कर रहे हैं, चाहे हम लोग जो हैं वो पोल्यूटेड वाटर को पी रहे हैं, तो उससे हमें नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। हम सारे जानदार ही पोल्यूटेड वाटर से इफ़ेक्ट होते हैं। जर्म प्रेजेंट इन द पोल्यूटेड वाटर कॉज डिजीजेस, क्योंकि हमारे पास जो गंदा पानी है इसमें बहुत सारे जर्म्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर इस तरह का गंदा पानी कोई जानदार जो है वो पीता है तो उसके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, लाइक डिजेंट्री। डिजेंट्री हमारे पास ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है डिजीज़। डिजेंट्री में होता क्या है, ये इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन है। हमारे पास इंटेस्टाइन, ये जो हमारे पास आंते हैं, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, इन आंतों के अंदर बेसिकली ये बीमारी होती है, ठीक है। और स्पेशली कोलोन के अंदर, ये भी हमारे पास इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसे हम कोलोन कहते हैं, तो कोलोन के अंदर बेसिकली हमारे पास डिजेंट्री की डिजीज़ जो है ज़्यादा होती है। इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास स्टमिक क्रैम्प्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैदे में दर्द सी होती है, डायरिया हो जाता है, लूज मोशन लाइक आना शुरू हो जाते हैं, वॉमिटिंग्स आती हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास जो फीसिस हैं, फीसिस के साथ साथ ब्लड भी रिलीज होता है, ठीक है, पकाने के साथ साथ खून भी आता है। तो ये हमारे पास डिजेंट्री डिजीज़ है जो कि हमारे पास होती है पोल्यूटेड वाटर के पीने से, ठीक है। इसके अलावा कॉलरा, कॉलरा हमारे पास अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच स्प्रेड थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। हमारे पास अगर हम कंटेमिनेटेड फूड लेते हैं, खा लेते हैं, कंटेमिनेटेड किसे कहते हैं, ऐसा फूड या ऐसा वाटर जिसके अंदर जर्म्स हो, ठीक है, जो प्योर ना हो, जो साफ ना हो हमारे लिए, जो हमारे लिए हमारी हेल्दी कंडीशंस को फॉलो ना करें, ठीक है, ऐसे फूड को हम कहते हैं कंटेमिनेटेड फूड, और ऐसे वाटर को भी हम कहते हैं कंटेमिनेटेड वाटर। अब कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के अंदर हमारे पास मौजूद होते हैं बैक्टीरियाज। जब हम ऐसा खाना खाते हैं या ऐसा पानी पीते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे अंदर इन्फेक्शन कर देते हैं, ठीक है, जिससे हमारे पास कॉलरा की बीमारी हो जाती है। कॉलरा के सिम्टम क्या हैं, वॉमिटिंग आती है, कॉलरा के अंदर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, डायरिया महसूस होता है, इसके अलावा स्किन की लासिसिटी ख़त्म हो जाती है, इसके अलावा हमारे पास प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और हमारा वज़न जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ये सारे हमारे पास कॉलरा के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिजीज़ डायरिया। डायरिया अ कंडीशन इन विच फीसेस आर डिस्चार्ज फ्रॉम द बाउल फ्रिक्वेंटली एंड इन लिक्विड फॉर्म। डायरिया बिल्कुल ऐसी ही बीमारी होती है जिसमें लाइक लूज मोशन लग जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोशन आते हैं और बहुत ही पतले मोशन जो है वो आते हैं। स्टूडेंट्स इसके सिम्टम क्या हैं, सिम्टम हमारे पास इसके हैं, सबसे पहला हमारे पास सिम्टम है हेडेक, ठीक है। जब डायरिया होता है तो बहुत ज़्यादा सर में दर्द होता है, वॉमिटिंग यानी कि उल्टियाँ आती हैं, नोज़िया यानी कि नीम बेहोशी सी तारी रहती है, पेशेंट जो है वो बेहोशी की हालत में रहता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट में जिसे हम कहते हैं ना मरोड़ से उठते हैं,
तो ये सब हमारे पास सिम्टम्स हैं डायरिया के। नेक्स्ट हमारे पास है टाइफाइड। टाइफाइड हमारे पास क्या है, इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कैन लीड टू द हाई फीवर, डायरिया एंड वॉमिटिंग। टाइफाइड हमारे पास बेसिकली ये होती है बैक्टीरिया की वजह से बीमारी है, और इसमें होता क्या है, इसमें तेज़ बुखार हो जाता है, डायरिया हो जाता है, ठीक है। डायरिया पीछे मैंने आपको बताया जैसे कि अभी लूज मोशन वगैरह है, ठीक है। इसके अलावा उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं, इट कैन बी फेटल, इससे मौत भी वाकया हो सकती है। हमारे पास अभी मैंने आपको बताया कि ये बैक्टीरिया कैसे फैलता है, तो इस तरह ये जब हमको डेमिनेटेड वाटर जो है वो पीते हैं, इसके अंदर हमारे पास सेल्मोनेला टाइफी किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ये बैक्टीरिया जब हम पानी जैसे हमारे अंदर जाते हैं तो हमारी ज़ुबान पर ये वाइट कोटिंग सी कर देते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी पर रैशेज़ होना शुरू हो जाते हैं। रैशेज़ होने के साथ साथ हमारा जो अल्सर है यानी कि सूज पड़ जाती है हमारे पास इंटेस्टाइन में, ठीक है। इसके अलावा हमारा लिवर और स्प्लीन जो है उसका साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है। ये हमारे पास एक कॉयल टैंक है। हम समुंदर में, समुंदर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो है, या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पेट्रोल या तेल जो है वो लेकर जाने के लिए यूज़ करते हैं ऑयल टैंक्स को, ठीक है। ऑयल टैंक्स को जब हम लेकर जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, इसमें रैक्स पड़ जाते हैं, इसमें क्रैक पड़ जाते हैं, ठीक है। जब ये हमारे पास इसमें क्रैक पड़ जाते हैं तो सारा तेल जो है वो समुंदर की सतह पर फैल जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारे पास ऑयल जो लीक होने के बाद जब समुंदर की सतह पर फैल जाता है तो नीचे जो हमारे पास समुंदर में रहने वाली हमारे पास सी एनिमल्स हैं, मछलियाँ वगैरह हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारे सी एनिमल्स हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, इनको ऑक्सीजन जब प्रॉपर नहीं मिलती तो इनकी मौत वाकया हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन द रॉ सीवेज यूज मच ऑफ द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। ड्यू टू दिस रीजन द फिश एंड द अदर एक्वाटिक लाइफ डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन एंड दस डाई। हमारे पास क्या होता है, जो बैक्टीरिया हमारे पास जो रॉ सीवेज है ना, उसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं तो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम इस सीवेज को हम पानी में ऐसे ही बहा देते हैं, ठीक है। जब हम पानी में बहा देते हैं तो ये बैक्टीरियाज सीवेज के साथ हमारे पास पानी में आ जाते हैं, फिर पानी में जो ऑक्सीजन है इसको ये इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ड्यू टू दिस रीज़न द फिश एंड अदर एक्वाटिक लाइफ डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन एंड दस डाई। इस वजह से हमारे पास जो बाकी फिशेज हैं और बाकी तमाम एक्वाटिक लाइफ जो है उन तक ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंच पाती और इस तरह से वो मर जाते हैं, ठीक है। इस तरह से वो फिशेज वगैरह की फिर मौत वाकया हो जाती है क्योंकि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। नेक्स्ट हमारे पास टॉक्सिक केमिकल एंड बैक्टीरियाज फ्रॉम रबिश एंड अदर सॉलिड वेस्ट व्हेन वॉश्ड इनटू रिवर्स एंड ओशंस, ओशन पोल्यूट वाटर एंड हार्म द लाइफ इन वाटर। हमारे पास क्या होता है, टॉक्सिक केमिकल्स, जो ख़तरनाक केमिकल्स और बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं रबिश में, कूड़ा करकट जो हम फेंकते हैं, ठीक है, जब ये कूड़ा करकट जो है वो पानी से बह बहकर हमारे पास रिवर्स और ओशन तक चला जाता है, तो यहाँ पर वहाँ पर ये क्या करता है, हमारे पानी को पोल्यूट कर देता है। हमारे पानी में भी वो जरासीम्स और वो केमिकल्स आ जाते हैं और इसी केमिकल्स की वजह से जो पानी के अंदर रहने वाले जानदार हैं उनकी मौत भी वाकई हो सकती है और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है, ठीक है। तो हमें चाहिए ये कि हम जो है वो कूड़ा करकट फेंकने से पहले उसको जो है वो ट्रीटमेंट उसका कर लिया जाए, ताकि उसमें जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं और जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि जब वो पानी हमारे समुद्रों में, वो सॉलिड वेस्ट जो है जब हमारे समुद्रों में और हमारे दरियाओं में जाए तो वो हमारी एक्वाटिक लाइफ को नुकसान ना पहुँचा सके। टॉक्सिक मेटल लाइक मरकरी, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक, इटीसी आर प्रेजेंट इन द इंडस्ट्रियल वेस्ट विच पोल्यूट द वाटर एंड द लैंड एनवायरनमेंट। हमारे पास मरकरी, लेड, क्रोमियम, ये हमारे पास टॉक्सिक मैटर्स हैं, ठीक है। ये ख़तरनाक, टॉक्सिक का मतलब ये होता है जहरीली। ये जहरीली मैटर्स जो है वो हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट में शामिल होती हैं, और अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम ऐसे ही पानी में फेंक दिया जाए या ज़मीन पर फेंक दिया जाए तो इस तरह से ये हमारी ज़मीन को भी गंदा कर देती हैं और हमारे पानी को भी पोल्यूट कर देती हैं। दे कॉज सीरियस डिजीजेज लाइक कैंसर एंड ब्रेन डैमेज। देख सकते हैं आप यहाँ पर, हम कह सकते हैं कि जो ये जो टॉक्सिक मैटर्स हैं इन जैसे हमारा जो ब्रेन है वो डैमेज हो जाता है। इसके अलावा हमारे लंग्स में जो है वो कैंसर हो सकता है। लंग्स के अलावा बहुत सी और भी ऑर्गन्स हैं जहाँ पर इस तरह से कैंसर हो सकता है। ये रेड कलर के सेल्स हैं बेटा जी, ये शो कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये कैंसर सेल्स हैं और कैंसर जो है वो लंग्स में फैल रहा है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। हमने तीनों टाइप्स के इफेक्ट्स देखे, हमने एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स भी देखे, हमने वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स भी पढ़े और हमने लैंड पोल्यूशन के इफेक्ट्स भी पढ़े साथ साथ। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।
press the bell icon, like, share and comment the video. Thank you very much.